मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था, आप बहुत काबिल प्रवक्ता है, महंगाई मुद्दा है कि नहीं? महंगाई मुद्दा क्यों है? महंगाई मुद्दा जहां जरूरत है वहां सरकार बिल्कुल उस पे जो है ना आम जनता के हित में कार्य कर रही है। अच्छा, पेट्रोल 100 रुपए पहले नहीं रही, पेट्रोल 100 रुपए पार, महंगाई क्या पहले नहीं? आप एक एक चीज देखिए भदौरिया जी, सवाल ले लीजिए, आप पहले मेरी पूरी बात सुन ले, मैं आपकी बात, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, आप कहां बोलना चाह रहे हैं, आप एक बात सुनिए कि 2 साल से कोरोना चल रहा है, 80 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ खाद्यान्न उपलब्ध कराया है, 100 करोड़ से ज्यादा के लोगों को जो है ना वैक्सीन अभी फ्री ऑफ लगवाई है हमने। आप ये कह रहे हैं महंगाई मुद्दा नहीं है, पेट्रोल 100 रुपए पार, गैस 1000 रुपए पार, तब भी महंगाई मुद्दा नहीं? पेट्रोलियम कंपनी अपना रेट अंतरराष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से निर्धारित करती है, सरकार अच्छा, तो फिर सर ये चुनाव में कैसे रुक जाता है? ये चुनाव में ये रेट निर्धारित नहीं करती, चुनाव में फिर कैसे रोक देते हैं? कंपनियों को खुद को दे दिया गया है, वो अपने आप से निर्धारित करती है। अच्छा, आप लोगों के हाथ में नहीं है, मार्केट के रेट होते हैं। अच्छा भदौरिया जी, आप ये कह रहे हैं सत्ता में आए, चाय पत्ती, दालें, खाने का तेल, रसोई गैस, यहां तक कि नमक महंगा कर दिया आप लोगों ने, ये झूठ बोल रहे हैं? थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करिए, मेरी नॉलेज थोड़ी सी कम है, उत्तर प्रदेश में सर बिजली प्रति यूनिट कितने रुपए है? इसकी तो चर्चा बाद में कर लेंगे। नहीं नहीं, इसकी बाद में मत करिए, अभी करिए सर, मैं जवाब देना चाह रहा हूँ विपक्ष को कि आप लोग किस तरह से सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं, प्रति यूनिट कितने रुपए है सर यूपी में? आप मेरी बात सुने, चर्चा फ्री पे आज हो रही है? नहीं नहीं, फ्री सर, फ्री में बिजली दे रहे हैं तो कितने रुपए यूनिट है जनता को पता होना चाहिए ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कितने रुपए यूनिट है सर। इसके ऊपर आप डिबेट करोगे तो हम इसकी भी बता सर, इसी पे ऊपर डिबेट है क्योंकि बिजली पर विषय पर चर्चा है, आप कह रहे हैं आपने बिजली मुहैया करवाई, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में आप प्रति यूनिट कितने रुपए वसूलते हैं, मतलब कितना रुपए प्रति यूनिट? आपने इसके लिए आप पहले से बताते हैं कि इस पे आप डिबेट करना है, हम इसकी एक एक डिटेल बताते हैं। नहीं, बिजली पर ही चर्चा है सर, आज फ्री बिजली पर चर्चा है, इंडस्ट्रियल को कितनी कितनी को, नहीं नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूं कि आप आम उपभोक्ता को कितने रुपए प्रति यूनिट बिजली दे रहे हैं? हम बिल्कुल बताएंगे इसकी, पहले आप फ्री की चर्चा कर रहे हैं, फ्री पे हम चर्चा करने आए। अच्छा, फ्री पे चर्चा करेंगे, उस पर यह नहीं करेंगे चर्चा? हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं कि अखिलेश जी को आप फ्री कहने की जरूरत कैसे पड़ गई, जिन्होंने लोगों के घर तक खंभे ही लाइट के नहीं पहुंचाए, आज कह रहे हैं कि हम नहीं, मैं कह रहा हूं आपने पहुंचाया ना सर, आपने तो घर घर बिजली दे दी, गांव की झोपड़ी में भी बिजली दे दी, बहुत अच्छी बात है, मुबारक कबूल करिए मेरी, बिल्कुल दी है। मैं जानना चाह रहा हूं सर, सर देखिए ये आरोप लगा रहे, कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली देते हैं, और मैं चाह रहा हूं कि आप इनको जवाब दीजिए और बताइए कि नहीं हम प्रति यूनिट इतना रुपए वसूलते हैं, हम सबसे महंगी बिजली नहीं देते, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं सर रेट कितना है बिजली का? हमारे यहाँ रेट जो भी है वो पूरे ऑनलाइन गूगल पे पड़े हैं, छुप जिसको जानकारी लेना है गूगल खोलिए। नहीं, मुझे जानकारी सर, गूगल की शरण में क्या, गूगल देवता की शरण में तो सब जाते हैं, आप तो सर बीजेपी के विद्वान प्रवक्ता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। हमारे यहाँ यही तो पारदर्शिता है, यही तो पारदर्शिता है कि हमारी जो भी योजना है आप वहां पे तुरंत देख सकते हैं, हमारी नहीं, आप बता दीजिए, मैं आपकी बात पे यकीन कर लूंगा। क्या सबसे महंगी बिजली दे रहे हैं आप पूरे देश में? बिल्कुल नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे, चाहे हमारा उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हमारे जहां जहां भी राज्य है, हम कहीं भी महंगी नहीं दे रहे, हम जनता को बिजली जनता के हिसाब से मुआयना करा रहे हैं। अच्छा, बड़ी बात है, आप एक चीज देखिए। अच्छा, एक बात, उत्तर प्रदेश में कैप्टन साहब चलिए कोई मत बताइए मुझे रेट, मैं एक सवाल और पूछ रहा हूँ आपसे, आपका कुछ प्लान है फ्री में देने का? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है 300 यूनिट, अब अखिलेश जी कह रहे 300 यूनिट, आपका कुछ प्लान है फ्री में बिजली देने का? आप मेरी बात को समझे जी, जब हमने उत्तर प्रदेश में लाइट के खंभे तक नहीं थे तो हमने खंभे चढ़ा के वहां तक बिजली पहुंचाई, बिल्कुल दी सर आपने, बिजली पहुंचाई है, अब अगर हमें लगेगा कि हम उससे भी और अच्छा करके कुछ उनको इसमें राहत दे सकते हैं तो हम उस पर भी विचार कर लेंगे, क्यों, हम तो जनता के लिए काम करने वाले हैं, इन्होंने पहले बिजली नहीं पहुंचाई थी, आज अच्छा अभी कोई प्लान नहीं है ना फ्री बिजली का आपका? नहीं, बिल्कुल जनता के लिए हम प्लान बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है हमारा, जब तक अभी दोबारा जो मैनिफेस्टो बनेगा तो उसमें सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, आप भी मतलब सोच सकते हैं कि फ्री में बिजली देंगे।